बताया है सबसे ऊपर में है शिव बाबा, बीच में है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, और ये सूक्ष्म वतन भी समझाने के लिए अभी रचा जाता है संगम युग में। सदाकाल सूक्ष्म वतन नहीं होता है, वो भी प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन का अर्थ भी समझाया है, बाकी खेल तो यहाँ ही चलता है। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इतने बड़े ड्रामा के बड़े से बड़े पार्टधारी हैं। खुद खुशी में होंगे तो किसी को भी खुशी मिला सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए हम अपना ही तन बदन धन यूज करते हैं। कोई से हम भीख नहीं मांगते, डोनेशन नहीं लेते। जो डोनेशन लेने वाले हैं या भीख पर चलने वाले हैं वो नई दुनिया की राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। ये भी समझते हो कि बाबा ने प्रवेश किया है और प्रवेश करके हमको एडाप्ट किया है, इसमें प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है और उनमें प्रवेश कर हम बच्चों को अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है कि तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चों को निश्चय हिलना नहीं चाहिए। याद नहीं करते हैं तो फिर खुशी नहीं रहती है, खुशी नहीं रहती है तो निश्चय उखड़ जाता है। कब भी कोई भी किसी बात में भी मुझो तो डायरेक्ट बाबा से पूछ सकते हो, कहां माउंट आबू में जाके, माउंट आबू में जाके डायरेक्ट बाबा से पूछेंगे हैं? माउंट आबू में तो गुलजार दादी के तन में सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य आत्मा आती है, कृष्ण की सोल आती है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल आती है।